हाय जय माता दी, दिस इज कविता भक्तियानी। आज हम बनाएंगे चीज़ चिली मिली टोस्ट। वाव, सही में ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही यमी है, टेस्टी है और इजी है। सो लेट्स स्टार्ट। चीज़ चिली टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मेन, इसकी चटनी बहुत ही अच्छे से और प्यारी से बननी चाहिए, बिकॉज ऑल द टेस्ट इज इन चटनी। सो चटनी बनाने के टाइम सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके लिए हमें चाहिए सिंगदाना, थोड़ा नमकीन, सेव नमकीन, नमक, शक्कर, कड़ी पत्ता, धनिया, नींबू, मिर्ची, अदरक, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, थोड़ी यमी। ये चटनी ही बड़ी प्यारी होती है, उसकी वजह से सैंडविच में टेस्ट आता है। ये हमने मिक्सर में उसको पीस लिया, सब चीज़ों को अच्छे से धो के मिला के हमने पीस लिया है। नमक आप देख लेना, स्वाद अनुसार आपको जैसा डालना है। इसका बड़ा ही प्यारा कलर आता है, इसमें सेव है, सिंगदाना है, इसके लिए इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है। और चाहिए हमें ब्रेड, ये ग्रिल ब्रेड लिया है मैंने, इसमें ज़्यादा अच्छी बनती है। मेयोनीज, बटर, चीज़। और इसके स्टफ के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च हरी बारीक कटी हुई, कांदा बारीक कटा हुआ और चीज़ ग्रेट किया हुआ। और इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो वो ऑप्शनल है, सेव और धनिया से गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। इफ़ यू आर नॉट डूइंग देन ऑल्सो इट्स यमी। इन सब चीज़ों को मिला देना है हमने चटनी मेयोनीज के साथ में, कांदा, शिमला मिर्च और चीज़, ये पांचों चीज़ों को हमने मिला लेना है और ये आपका स्टफ़ रेडी हो जाता है। मेयोनीज़ का टेस्ट अपना है, चीज़ में नमक है, सो इसके लिए इसमें हमको एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है, चटनी में ऑलरेडी नमक है। सो ये ऐसे ही स्वादिष्ट बनता है। ब्रेड को थोड़ा सा बटर लगा के दोनों साइड ये स्टफ़ भर देना है और ऊपर के साइड भी थोड़ा बटर लगा के इसे तवे पर अच्छे से सेक लेना है, कुछ भारी चीज़ रख के, और ये आपका टोस्ट रेडी है। इसके ऊपर आप चाहिए तो चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। और इसे सॉस और चटनी के साथ सर्व किया जाता है, पर मुझे तो ये ऐसे ही यमी लगता है। सो मेक इट एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ डू इट। सो कीप वॉचिंग, विल बी बैक सून विद न्यू डिश। दिस इज कविता भक्तियानी, टिल देन एंजॉय।